हिंदी तर कधी कधी मराठी असं अँकरिंग करत आपण पुढे जाऊया, चालेल ना सगळ्यांना? सबसे पहले हॉबी प्लैनेट को इतना भर भर के प्यार देने के लिए, इतना रिस्पांस देने के लिए दिल से धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ये एक ऐसी हॉबी स्कूल है जहां कोई एज लिमिट को ना सोचते हुए आप हॉबी को सीखने आ सकते हो। पेन में ऐसे क्वालिटेटिव एकेडमी की ज़रूरत थी और इसीलिए हम यहाँ आपके साथ हैं। हमने एक ऐसी इनोवेटिव स्पेस बनाने की कोशिश की है जिसके खूबसूरत इंटीरियर, परफेक्ट स्पेस और काम प्लेस की वजह से सीखने वाले को अपनी हॉबी में पूरा मन लगे। अब तक जो क्लासेस यहाँ होते हैं उसके अलावा हॉबी प्लैनेट के कई सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, जैसे बच्चों को साइंस कंसेप्ट एक्सपेरिमेंट से सिखाने वाला रोबो जोन, पेरेंट की साइकोलॉजिकल एडवाइस के लिए काउंसलिंग जोन, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए गर्भ संस्कार कैंप और बहुत कुछ। सबसे पहले हम अपने टीचर्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। हॉबी प्लैनेट में सिंगिंग और हारमोनियम सिखाने वाले अठमले सर, बहुत कम लोग हैं जो इन्हें नहीं जानते। गाना और हारमोनियम के ये जैसे उस्ताद हैं। इन्होंने गांधर्व और पूना के भारत गायन समाज की परीक्षा दी है। तबला क्लासेस लेने वाले जितेंद्र म्हात्रे सर, तबले में विशारद तक सीखे हुए इनका हाथ कुछ इस तरह से बैठा है कि सभी गानों में इनका साथ जान डाल देता है। हॉबी प्लैनेट में कीबोर्ड सिखाने वाले ज्ञानराज सर, अपने लिए शाबाद से आने वाले ज्ञानराज सर की उंगलियां तो आंख बंद करके भी बढ़िया से धुन बना देती है। सबके लाडने गिटारिस्ट आलोक सर, इनका नाम लेते ही सभी यंगस्टर्स के कान खड़े हुए होंगे। अपने सबके चहेते रॉकस्टार जिन्होंने यूट्यूब पे अपने गानों से धूम मचा ली है। इतना ही नहीं, ये गिटार टीचर तो स्टूडेंट्स की जान है। हॉबी प्लैनेट में बॉलीवुड डांस सिखाने वाले डांस टीचर प्रियांकी मैम, सभी डांस स्टूडेंट्स की लाडली टीचर जिनके बिताए हुए गानों पे बच्चे सिर्फ परफॉर्म ही नहीं करते बल्कि बहुत एंजॉय करते हैं। भरतनाट्यम की 2 परीक्षाएं, साथ ही साथ सिंगिंग की 5 परीक्षाएं दी हुई ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। डांस टीचर आशुतोष सर, पेंट में अभी अभी आके भी मराठी रियलिटी शो चला हवा या उद्या में कोरियोग्राफी करने की वजह से और अपनी हिप हॉप डांस स्किल की वजह से आशुतोष सर बहुत नवाजे गए हैं। ये भी हमारे डांस क्लास का ही हिस्सा है। आज अपने पर्सनल रीजन से सर यहाँ नहीं आ पाए लेकिन मैं जानती हूँ हम सब लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। लावणी सम्राज्ञी प्रज्ञा मैम, ये भी आज नहीं आ पाई। डोंबिवली से आने वाली प्रज्ञा मैम पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पे लोक नृत्य और लावणी के परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। बहुत सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू प्रज्ञा मैम। हॉबी प्लैनेट में क्लासिकल डांस कथक सिखाने वाले अमोल कापसे सर, भरतनाट्यम और कथक दोनों में विशारद, बहुत सारे रियलिटी शोज के विनर जिनका कलाविष्कार देख के सबकी आंखें खुली के खुली रहती है। ऐसे दिग्गज कलाकार हॉबी प्लैनेट में क्लासेस लेते हैं, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। जुम्बा मास्टर विशाल सर, इनको तो पूरा पेन एक ऑसम डांसर ऐसे अच्छे से पहचानता ही है, पर खुशी तो ये बात की है कि वो बहुत अच्छे जुम्बा टीचर भी हैं जो अपने पूरी बैच को 1 घंटे में 1 मिनट की रेस्ट भी नहीं देते। हॉबी प्लैनेट के ड्राइंग टीचर घाड़गे सर, द पर्सन हु इज मास्टर इन आर्ट एंड ऑफ कोर्स हैविंग वेरी गुड हैंड राइटिंग इज घाड़गे सर, ये हॉबी प्लैनेट में हैंड राइटिंग एंड ड्राइंग के टीचर है। ड्रामा टीचर ओंकार सर, कुछ हीरे नाम अपने आसपास ही होते हैं पर हमें पता नहीं होता, ऐसे ही ओंकार सर मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने थिएटर किया है और ये एक्टिंग में मास्टर है। बताने वाली बात यह है कि अभी अभी इनके क्लास के रुचा गुरसाड़े और प्रियदर्शी मुखर्जी
इन दो स्टूडेंट्स ने अलीबाग में कंपटीशन में जीतकर हॉबी प्लैनेट का नाम रोशन कर दिया। फोनिक्स टीचर मीनाक्षी मैम और अबैकस टीचर कोर्णे मैम, छोटे बच्चों में पूरा खुल के इन्वॉल्व होके पढ़ाने वाली मीनाक्षी मैम फोनिक्स की और स्टूडेंट्स की लाडली कोर्णे मैम अबैकस टीचर है। लेडीज को कुकिंग, डिजाइनर पिलोज वगैरह सिखाने वाली मिसेस गुनगुन शर्मा, सपना शेवाड़े, शैला धामणकर और नेहा, ये सभी भी हॉबी प्लैनेट से जुड़े हैं। इस घर के ओनर नेहा एंड राजा पाटिल, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना खूबसूरत सा घर हॉबी प्लैनेट को दिया। हर रोज का शोर, प्रैक्टिस, डांस फ्लोर की वजह से डिस्टर्बेंस, ये सब हमारे लिए बर्दाश्त करते हैं। हॉबी प्लैनेट का ये हिस्सा ही बन चुके हैं। मिसेस नेहा एंड राजा पाटिल, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हॉबी प्लैनेट की फाउंडर एंड ऑर्गेनाइजर डॉक्टर पल्लवी पाटिल, एक अच्छी पोएम राइटर, बचपन से ही ड्रामा और स्पीच कॉम्पिटिशन्स की विनर, और तो और ये कथक भी सीखी हुई है। इनको बहुत सारे सक्सेसफुल समर कैंप्स लेने का एक्सपीरियंस रह चुका है। हॉबी प्लैनेट का इंटीरियर डिजाइनिंग भी इन्होंने ही किया है। ऐसे अलग अलग पसंद होने की वजह से ही उनके दिमाग में ये हॉबी प्लैनेट का निर्माण करने की सोच ने जन्म लिया। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डॉक्टर रोशन पाटिल सर। सर मेडिकल ऑफिसर होने की वजह से बिजी होके भी अपने वाइफ के काम को उतनी ही दिल से हेल्प करते हैं। सारे टीचर्स को काफ़ी बार खुद बना के चाय पिलाने वाले सर सबके साथ हंस खेल के घुल जाते हैं। थैंक यू ऑल टीचर्स। अब असली प्रोग्राम की तरफ मुड़ते हैं जिसका आप सब बेहद इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के स्वतंत्रता दिन के लिए स्पेशल सॉन्ग फ्रॉम द मोस्ट फेवरेट अलोक दी।